बोलो किसी को, किसी मैडम को मंदा बोलो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के परशुराम चौक पर। ये देखो सेट देखो, इसके ऊपर रेट लिखा हुआ था 240 रूपए और हमने स्क्रेच किया तो 200 रूपए यहाँ पर किताब के ऊपर लिखा हुआ था। साथियों मैं आपको बता दूं, साथियों प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के जो किताब वाले हैं इन्होंने लूट मचा रखी है। साथियों सिरसा के लोगों को ठगने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने, लोगों की खून पसीने की कमाई को इन लोगों ने खा गई। ये लोग ये आप दे सकते हैं 310 रूपए। ये स्टीकर उतारो स्टीकर स्टीकर उतारो 260 रूपए। ये देखो 310 रूपए प्रिंट रेट लिखा हुआ था नीचे, देखो 260 रूपए। इतनी बड़ी लूट साथियों, इतनी बड़ी लूट। ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं, इनका कमीशन है इनके साथ। साथियों कमीशन है 60-60% कमीशन है। साथियों लोगों के साथ धोखाधड़ी ठगी की जा रही है। 5-5 हजार रूपए की किताबें आती है क्या, ये बताओ। एक गरीब आदमी आम आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए साथियों, सबसे बड़ा सवाल। एक गरीब आदमी आम आदमी कैसे पढ़ाए अपने बच्चों को। भाई साहब 5240 रूपए लिए जी मेरे से। कितने लिए हैं? 5240 रूपए लिए जी 8वीं क्लास के। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो इस स्थिति में? मेरे से लिए उन्होंने 3220 रूपए। ये दे सकते हैं साथियों 8000 रूपए, 8080 रूपए की किताबें। साथियों 8080 रूपए की किताबें आती है क्या साथियों कोई? ये आप दे सकते हैं सेकंड क्लास की 3220 रूपए की किताबें। लूट सरेआम लूट साथियों। नीचे रेट अलग, ऊपर रेट अलग। साथियों सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा खुलासा। ये पर्ची लीजिए, किसकी पर्ची है? 5240 लिए मेरे से। ये आप दे सकते हैं। किताबें देखो, ये किताबें देखो स्टिकर लगे हुए हैं। ये आप दे सकते हैं 320 रूपए का रेट वाला। ये आप दे सकते हैं 260 रूपए, 260 रूपए। साथियों 115 रूपए का पेज, 4 पेज की किताबें। भाई साहब ये स्कैन कर लियो, इसके ऊपर ना कोई स्कैनर है ना कुछ, और कुछ नहीं है इनकी अलग कंपनी की कोई स्कैनर वाली है। स्कैन करके दिखा दो मेरे को, मैं चैलेंज करता हूँ। स्कैन करके दिखा दो, चैलेंज करता हूँ। ये स्कैन नहीं होगी, अगर स्कैन हो जाए मेरी गारंटी है। साथियों सबसे बड़ी लूट, आम आदमी ठगा जा रहा है। साथियों आम आदमी के साथ किस तरीके से 500 रूपए की, 460 रूपए की, 460 रूपए की किताबें। साथियों इतनी बड़ी ठगी, आम आदमी के साथ इतनी बड़ी ठगी। सेंट जेवियर स्कूल के लोगों के साथ किस तरीके से, मैं आपको बता दूं। स्कूल वालों ने ठगी तो मचाई रखी है, इसके साथ प्राइवेट जो दुकान वाले हैं, किताबों का जो ठेका दे रखा है एक ही व्यक्ति को दे रखा है, और जिसने ठगी करने का। आप इतनी ठगी क्यों मचा रहे हो? ऐसा है जी, मेरे पास पक्के बिल आते हैं कंपनी से, जो कंपनी के मेरे, जो कंपनी पे मेरे पास बिलिंग आती है उसी बिलिंग पे मैं बुक्स प्रोवाइड करवाता हूँ सभी पेरेंट्स को। जिस स्कूल का मेरे पास 10% का हक बनता है मैं उस पर लेस भी देता हूँ, जिसका 15 का हक है उस पर 15 लेस देता हूँ, जिस स्कूल पे मेरे को 25 पे आता है 25 पे। सारी बात छोड़िए जी, नीचे रेट कुछ हो रहा है, ऊपर रेट कुछ हो रहा है, ये बताओ। बुक डिपू का कोई कसूर नहीं है, कुमार बुक डिपू इस चीज को, कुमार बुक डिपू इस चीज को बकायदा सिद्ध कर सकता है कंपनी के जो रेट आए हैं मेरे पास। ये आप देखो ऑनलाइन अगर हम स्कैन करते हैं ऑनलाइन, यही बुक ये आप दे सकते हैं 525 रूपए की आती है ऑनलाइन, 525 की, और इसका रेट क्या है 584 रूपए। साथियों सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला का पर्दाफाश। साथियों ऑनलाइन में तो लैस अलग से आते हैं बकायदा बच्चों के पास, तो आप क्यों लूट रहे हो जी लोगों को? ये गरीब लोग पहले ही मरे हुए हैं, आपने क्यों लूट रहे हो? अमेजोन है और है, कोई भी कंपनी है, आप कोई भी आइटम उनसे मंगवाइए, आपको कहीं ना कहीं बाजार से सस्ता मिलेगा। क्यों सक्सेस हो रहे हैं वो? नहीं, आप स्कूल वालों को कितना परसेंट देते हो जो इस तरीके से लूट रहे हो? से 1 रुपया नहीं लेते ना देते हम, सिर्फ स्कूल की लिस्ट, एक मिनट स्कूल की लिस्ट है जो हमारे पास, एक मिनट मेरी बात सुन लो, एक भाई साहब बाजार में और कहीं किताबें नहीं मिलती, इनके पास मिलती है। क्यों मिल रही है सर? आपके पास मिलती है, आपके पास क्यों मिलती है जी? अलग से हो रही है, हम यहाँ खड़े हैं, कह रहे दूर हटो काउंटर से, दूर हटो काउंटर से, पीछे हो जाओ, बदतमीजी करो, ये करो, ये काम है जी। आपने ऐसा नहीं बोला, बिल्कुल बोला जी, मेरे सामने बोला है। अब शर्मा जी मैं बता किस चीज का जवाब, शर्मा जी ये बताओ किस चीज का जवाब देना है? ग्राहक जवाब ये देना है भी रेट कम और आपने ऊपर ज्यादा क्यों लगा रखे हैं, इस चीज का जवाब देना। ऐसा है जी, मेरी तरफ से कहीं भी कोई भी एक इस चीज के जिम्मेदार आप हो और कोई नहीं, जिम्मेदार आप हो, आप किताबें बेच रहे हो, जिम्मेदार आप हो। मैं कंपनी की बिलिंग पक्के में
जो मेरे पास बिलिंग आती है। हमें बिलिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम आम आदमी है, हम आम आदमी है, हमें रेट से मतलब है। दूसरी बात, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, सेल आउट मेरे पॉइंट पे है, कंपनी के पब्लिशर आते हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव आते हैं, मेरे को स्कूल से कोई रिलेशन नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी दुकानदारी करनी है, जो लिस्ट मेरे को नजर आती है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आप ये बताइए, ये किताब 584 रुपए की क्या है, इसमें 584 रुपए की जीएसटी तो बुक्स पे होती नहीं भैया, विदाउट टैक्स बुक्स है। हाँ बिल्कुल, आगे देखो सब जीएसटी नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, जीएसटी इन बुक्स पे विदाउट एमआरपी है जी, विदाउट बिल्कुल ये एमआरपी पे बुक्स दे रहे हो आप हमारे को, ये एमआरपी पे जी, जिस स्कूल की सेंट जेवियर एमआरपी पे है, मेरे पास 10% आता है, उसमें मेरे को मेरे लेबर एक्सपेंसेस, मेरे अदर एक्सपेंसेस उस 10% में काम ही नहीं कर रहा है। बाबूजी आप मेरी बिलिंग पे विश्वास करो, बिलिंग की फाइल लेके आप आज के ये दे सकते हैं। आम आदमियों के साथ किस तरीके से ठगा बकी हो रही है साथियों, किस तरीके से ठगा बकी हो रही है, रेट के ऊपर रेट लगाया जा रहा है और आम आदमी को ठगा जा रहा है। आम आदमी अपने बच्चे को आखिरकार पढ़ाए तो कहाँ पढ़ाए, मेरे पास 100 से ज्यादा शिकायतें हैं ये साथियों, तब मैं ये माइक लेकर आया हूँ, 100 से ज्यादा लोगों की शिकायतें मेरे पास आई है, 150 फोन हो गए साथियों मेरे पास, और लोगों की एक ही शिकायत है, किताबें 5000 की, 4500 की, 6000 रुपए की किताबें दी जा रही है, ऐसा क्या कारण है, क्या किताबें ऐसी 6000 रुपए की किताबें दी जा रही है। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे भाई साहब, शरेआम लूट मचाई जा रही है शहर के अंदर, शरेआम ठगी हो रही है और बेइज्जती हम यहाँ खड़े होकर लग करवा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, ये हालात है सर, दे रहे हो तो आप कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, कम से कम हमारी इज्जत तो करो। मैंने मैडम को बोला कि मैडम सेकंड क्लास की बुक्स आ गई, तो मैडम बोलती है कि आपको बोलने की तमीज नहीं है, मैडम ने ये बात बोली मेरे को, फिर मैडम को मैडम ने बोला मेरे को 20 रुपीज खुले हैं, मैं कहा नहीं है, कहते जो भी है खुले दे दो, मैंने इनको कॉइन दे दिए, कहते ये क्या तमीज है बैंक के पैसे मारने की, मैंने कहा मैडम मैंने रखे हैं पैसे, कहते ऐसे पैसे नहीं लूंगी मैं, फिर मेरे को मिला के मारा मैडम। डायरेक्टर साहब से जब लेटर आया है कि भाई एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स लगानी है, ये लेटर है बाकायदा आपके पास भी होगा, लेकिन फिर भी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, मैं तो ये कहूंगा ऐसा है जी, ये बात पब्लिशर जाने, पब्लिशर से रिलेटेड जो भी है, हमारा स्कूल से कोई संबंध नहीं है, हमने पब्लिशर की जो बुक्स है, जिस स्कूल की जो स्कूल में मैंने आपको 20 बार जाते हुए देखा है, स्कूल में जाते हो 20 बार, आपका संबंध नहीं है तो आप क्यों जाते हो ये बताओ। ऐसा है जी, मेरा काम है बिजनेस, मेरे पास स्कूलों से बिजनेस, स्कूल ने आपका ही नाम क्यों चुना ये बताइए, ये मेरे को जवाब दीजिए इस बात में, कुछ क्वालिटी होगी, क्वालिटी कितना परसेंट देते हो आप ये बताओ, कितना परसेंट देते हो आप स्कूल वालों को ये बताओ मेरे को, कितना परसेंट देते हो, 1 रुपया नहीं देता स्कूल वालों को, क्वालिटी बताइए थारी, एक क्वालिटी क्वालिटी छोटो धक्का मारने की क्वालिटी है जी, कोई धक्का को नहीं मारा, सर एक खड़ा हुआ है धक्का मारे पीछे हो जो क्वालिटी, 150 दुकानें होंगी यहाँ पे, 150 दुकानें है ना, आपसे मेरी बात सुनो, 150 दुकानें वाला आपसे सकल वेदी सोच रहा है, मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे भी अच्छे हैं, मैं भाई साहब जीएसटी इनकम टैक्स लॉयर हूँ और यहाँ ऐसे बेइज्जती करिए, इन्होंने पीछे हो जो धक्के मारे रानिया से आऊँ स्पेशल किताबें लेने, पूरे जिले का इन्होंने ठेका लिया हुआ है सर, 3 दिन हो गए सर चक्कर काटते हुए, और 3 दिन से किताब नहीं मिल रही, कल आया कल बंद थी दुकान, बोले नहीं जी परसों आना, परसों आए तो कहते 7 बजे जा रहे हैं जी, 7 बजे मेरे कहा सर किताबें दे दो, बोले नहीं किताबें बाद में मिलेगी सर, कल आना, कल गए तो कल नहीं मिली, आज आए हैं अब आज देखो भीड़ कितनी है सर, और इतना रेट सुन के हैरानी होती है जी, ऊपर से मतलब बदतमीजी और होती है जी, किताबें दे रहे हैं, ग्राहक है, ग्राहक के साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, एक आम आदमी आया है। हाँ जी हाँ जी, इधर आओ बताओ, आपकी आवाज उठाएंगे बोलो, बिना रजिस्टर के किताब, हाँ जी हाँ जी बताओ, बिना रजिस्टर के किताबें नहीं दे रहे हैं, क्या करें बताओ, क्या दे रहे, मैं परसों आया था तो भी गया, कल आना आज देखो देते हैं नहीं देते, बिना रजिस्टर नहीं देते किताबें, कहते रजिस्टर समेत मिलेगी हमारे पास, रजिस्टर ले ना ले मर्जी है हमारी, रजिस्टर की ओर से लेंगे, लेकिन बुक तो यहीं से मिलेगी, ये दुकान एक ही है, कहीं से नहीं, नोटबुक साथ में लेनी पड़ेगी, कॉपी नहीं, ये कह रहे मैं नहीं कह रहा की बात, आपके पास नोटबुक वाली आई, आपने मैं आया हूँ सर, मैं आया हूँ नहीं, मैं मांग रहा हूँ मेरे को अभी दे दो, अभी प्रोवाइड कराओ विदाउट नोटबुक विद नोटबुक, ये स्पेशल बुक अभी आपको ये कह रहे अभी 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 पढ़ो अभी पढ़ो अभी नहीं, हम उससे गुड़िया से बात करो, अभी कह उसने मेरे को क्या बोला, उसको बोला
हाँ जी आप क्या कह रहे हैं? मैं सर चार दिन हो गए चक्कर मारते को, बच्चे की छुट्टी हो रही है, किताबें लाके दो तो जाएंगे स्कूल, यहाँ आया मैं गोदाम पे भी जाता हूँ, चार दिन हो गए जाते को किताबें नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी को लूटने का प्राइवेट स्कूल वालों ने ठेका ले रखा है। साथियों, एक आम आदमी अपने बच्चे की पढ़ाई आखिर करवाए तो कहाँ करवाए? आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। आम आदमी अपने बच्चे की किताब अगर 5,000-6,000 रुपए की खरीदे तो आखिरकार वो खाएगा क्या? क्योंकि कमाई सब लगभग खत्म हो चुकी है। और बुरा मत मानना जी, आपकी प्राइवेट स्कूल वालों के साथ सेटिंग है या नहीं? मैं जो है पब्लिशर की कुछ एजेंसियां है मेरे पास, पब्लिशर के एग्जीक्यूटिव। अगर सेटिंग नहीं है तो सिरसा में और कहीं किताबें क्यों नहीं मिलती? मेरे पास 10 काउंटर है सिरसा के, 10 काउंटर है, मैं पेमेंट भेजता हूँ, मेरे पास एजेंसियां है, वो किताब मेरे पास। तो आप किताबें इतनी महंगी क्यों बेचते हो? मैं कोई महंगी नहीं बेचता, जो पब्लिशर का रेट है, जो पब्लिशर के रेट है, जो पब्लिशर का रेट है हम उस अकॉर्डिंग बुक्स देते हैं स्कूल पे। एक मिनट बाबू जी, मैं सफाई नहीं दे रहा। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ जिस टाइप की जिस लेवल की बुक्स लगी हुई है पब्लिशर वाइज किसी पे तो 20% भी ला सकता है, किसी पे 50 भी आता है। आपने इनको लेस किया है क्या, ये बताओ? लेस किया है क्या? किसी पे 10% भी आ रहा है। मेरे पास जेवियर की बुक पे 10% लेस आ रहा है, जिसमें मैंने खर्चे भी निकालने हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी मेरे पल्ले से है, हर एक चीज मेरे जेब से है। अगर 10% में मैं नाजायज हूँ तो मैं नाजायज हूँ, मेरे पास इस चीज का कोई इलाज नहीं है। आप दे सकते हैं साथियों, छोटी से छोटी किताब 500-600 रुपए की और एक नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे की किताब यहाँ पर साथियों 3,500-4,000 रुपए की मिलती है। साथियों, दुर्भाग्य क्या बात है कि हमारे जैसे देश में, भारत जैसे देश में किस तरीके से आम आदमियों के साथ सरेआम खुले आम ठग्गा बग्गी की जा रही है और आम आदमी चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि इनको लगता है कि हमारे बच्चे का कहीं ना कहीं भविष्य खराब ना हो जाए। साथियों, किताबें शहर में एक जगह ही मिलती है और 5,000-6,000 रुपए के नर्सरी से बढ़ने वाला बच्चा 5,000-6,000 रुपए की किताबें अगर खरीदेगा, साथियों 1,000-1,500-1,700 रुपए की किताबें मैं मानता हूँ, लेकिन 5,000-6,000 रुपए की किताबें। और हमने स्क्रेच करके देखा साथियों, रेट 230 रुपए ऊपर लिखा हुआ और नीचे 180 रुपए 200 रुपए लिखा हुआ। साथियों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ी ठगी क्या हो सकती है? हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। हाँ जी। और मेरा बेटा थर्ड में पढ़ रहा है सेंट जेवियर स्कूल में। 2017 के अंदर मैंने जब बेटे एडमिट करवाया था तो उन्होंने बोला कि बुक्स के लिए मैं गया था लक्कड़ मंडी के अंदर, बल्कि उसका बिजनेस था कांटे का, वो कांटे बेचता था, साथ ही बुक्स रखी हुई थी, उस टाइम ले ली मैंने बुक। उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया अगरसर कॉलोनी के अंदर, मैं वहां गया लेने के लिए। उसके नेक्स्ट ईयर उसने चेंज कर दिए अपने सचदेवा के पास, उसके बाद चेंज कर दी। अब इस लास्ट ईयर मैं इनके पास आया था, वहां से बुक ली थी। इस साल इनके पास फिर आया इनके पास लेने के लिए। इस साल उन्होंने बहुत पेमेंट बहुत बढ़ा दी, इनके कम से कम 4,500 रुपये मैं बुक्स कल लेके गया हूँ और 3-4 टाइम मैं इनके पास गेड़े मार चुका हूँ इनके पास। तो मेरे हिसाब से जो इनकी सेटिंग सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ है, इनके साथ मोटा कमीशन भी है, वहाँ से लेते हैं जे, क्योंकि हमेशा जो चेंज करते रहते हैं, जिससे ज्यादा कमीशन मिलता है उनको, हर साल वो पब्लिशर करवा देते हैं। अब महिलाएं भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। महिलाएं भी मौजूद है, इतनी महंगी किताबें खरीद सकते हो क्या आप? इतनी महंगी किताबें खरीद सकते हो? खरीद तो नहीं सकते, पर क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना तो है ही, अब पढ़ाने के लिए अब लेनी पड़ती है। आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी तो इसने के नीचे दबा पड़ा है ना, या तो ये रेट कम करें, ये नहीं करते। आप कह सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें खरीदनी पड़ती है। इनका साफ साफ कहना है कि बच्चों को बढ़ाने के लिए किताबें खरीदनी पड़ती है। सभी साथियों से गुजारिश है, पब्लिशरों से बात करो, छोटे मोटे आदमियों को पकड़ते हो, हिम्मत करो ना, स्कूल में जाएं। पेट्रोल 30-50 रुपए है, हिम्मत करो, पेट्रोल की आवाज उठाओ, मीडिया क्या है, आवाज उठाओ, 50 रुपए दो पेट्रोल, नेपाल में 60 रुपए पेट्रोल दे रहे हैं, इंडिया यहाँ 103 क्यों है, यहाँ 105 क्यों है, और इतने सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।